जाता है इस्लाम से बेदखल कर जाएगा। निशा खान को भी सर्वे के जरिए बेदखल कर दिया गया। आज बताना तो पड़ेगा के जरिए हम उन्हीं मुस्लिम महिलाओं की आवाज बनकर सामने आ रहे थे कि आखिर फतवा देने का ये हक किसे है कि एक मुस्लिम महिला इस्लाम में रहेगी या नहीं। क्या इस्लाम की आवाज उठाने पर, अपने साथ हो रही ज्यादती पर आवाज उठाने पर इस्लाम से बाहर का रास्ता दिखाई देता है। इसी को लेकर कासमी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ खास पैनल मौजूद था। सबसे पहले अंबर जैदी ने जिस तरह से कहा, उन्हें ये कहा कि हम उन बेहुदा मर्दों के खिलाफ हैं जो इस तरह की सोच यहाँ पर रखते हैं। लेकिन कासमी साहब ने उन्हें अपने ऊपर लिया और उनके पिता और उनके भाई के ऊपर वो चले गए, जिसके बाद वो काफी इमोशनल भी हुए। हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट भी यहाँ पर की गई यासिन की तरफ से, हम सब की तरफ से, कि ठीक है आप कम से कम उनको बोलिए कि आपने उनके पिता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। पर वो नहीं माने, अब शब्द बोलते रहे। उसके बाद फराह फैज जी, जो कि ट्रिपल तलाक की मुख्य याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी और ढोंगी पाखंडी कहा कि भाई वो लोग ढोंगी पाखंडी होते हैं जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी महिलाओं के रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं। ये बात भी कासिम ने अपने ऊपर ली और उसके बाद जिस तरह की हरकत की, अब शब्द ही नहीं गए। हम बीप करके आपको इसलिए सुना रहे हैं, उस शब्द को रोक इसलिए रहे क्योंकि बेहद शर्मनाक और बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर कासिम के जरिए किया गया। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, हाथापाई यहाँ पर की